बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लगातार हर जिले से शराबबंदी की हकीकत सामने आ रही है। भागलपुर में शराबबंदी की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल समाहर नाले से 100 मीटर की दूरी पर ही एक निजी मॉल के सामने घंटों नाले में शराबी पड़ा रहा, लेकिन पुलिस को जानकारी तक नहीं मिली। स्थानीय लोगों ने उसे बाहर किया, लेकिन फिर वो नाले में गिर गया। घंटे भर बाद डायल 112 की टीम पहुंची। इसके बाद पत्रकारों की मदद से रिक्शा से उसे भेजा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लोग आक्रोशित दिखे। लोगों ने कहा कि बिहार में शराबबंदी नहीं है, हर जगह शराब मिल रहा है, यह भी शराब पीकर पड़ा हुआ है। आपका जिम्मेदार नीतीश बाबू है, मिल रहा है पैसा, नीचे हम लाके देते हैं, गांजा दारू सब मिल रहा है। पुलिस करके दारू हम पकड़ रहे हैं, तो 15 अगस्त के बाद पूरा भारत आजाद कर दो, सभी जेल फटक सभी खोल दो, जो वाकई वो है जो की वाकई मुजरिम है, जो ऐसा कर रहा है वो करे, सभी बिहारी को घर बुलाया जाए। मिल रहा है। कब से पड़ा? 4 घंटे से शराब पी के खुलता हुआ, शराब पी के पड़ा हुआ। आप लोग निकाले? हम लोग निकाला नाले से, नाले में पड़ा हुआ था 4 घंटे। तो क्या लगता है, दारू पिया हुआ? दारू पिया हुआ तो तभी तो गिरा हुआ पड़ा हुआ है। होश में ना है? होश में कुछ नहीं, 4 घंटे से पड़ा हुआ। जब आप निकाले कुछ बताया? कुछ नहीं बताया। शराब का मिलता बिहार में? सब मिलता है, सभी ने पिया हुआ है। मैं मिलना तो पी रहा कहा से? कितने देर से पड़ा? 4 घंटे से पड़ा। बगल में थाना है क्या? कोई अभी तक नहीं आया प्रशासन में। 4 दिनों से बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हो जाने से परेशान भागलपुर के अलीगंज के गंगटी कुम्हार टोली के लोग अलीगंज स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय पहुंचे और बिजली विभाग के जीएम का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों का साफ कहना था कि शुक्रवार से ट्रांसफार्मर खराब हो जाने के कारण उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली नहीं रहने से जहां लोगों को अंधेरे में रहने को विवश होना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है। साथ ही साथ बिजली नहीं रहने से बोरिंग नहीं चल रहा, जिससे उन सबों के घरों में पानी नहीं आ रहा है, जो एक बड़ी आबादी के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से सभी लगातार बिजली विभाग का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जब समस्या का हल नहीं निकला तो वो सभी धरना पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि धरना देने वाले उन लोगों को बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुकदमे में फंसा देने की धमकी दी जा रही है, जो उचित नहीं है। वहीं पूरे प्रकरण पर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर ने बताया कि आज ही ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा। मेरा समस्या है सर, शुक्रवार को हम आए थे बिजली विभाग में, यहाँ बोला काम हो जाएगा कल में, कल काम हो जाएगा। शनिवार को काम भी नहीं हुआ, संडे को भी काम नहीं हुआ, सोमवार को भी काम नहीं हुआ, मंगलवार को हम लोग को आना पड़ा यहाँ से। यहाँ जब आते हैं तो उल्टा हम लोग धरना तो धरबे नहीं करेंगे सर, मेरा तो अधिकार है, हम तो करबे करेंगे। यहाँ तोड़ फोड़ थोड़ी कर रहे हैं, ऊपर से जीएम सर बोल रहे हैं कि आप लोग के ऊपर केस करेंगे, यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं, आतंकवादी हैं आप लोग। यहाँ गोली बंदूक लेके आए हम लोग सर, हाफ पैंट में आए हैं, गोली बंदूक लेके आए हैं। जो मेरा काम है वो करेगा कि नहीं जीएम सर? हम लोग बोले कि सर हमको 4 दिन पानी नहीं आया है, दिक्कत हो रहा है, चापाकल भी सलग हम लोग का बोरिंग है, चापाकल तो है नहीं, पानी का समस्या हो ही हो, इसको बोलते हैं तो बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा। सर ये कि हमारे जो है ऊपर गंगटी हबीबपुर फीटर ऊपर गंगटी जो है वहाँ पर ट्रांसफार्मर है, मतलब है कि 1 महीने से जो है रोज फेज उड़ता है, उनके बाद जो है तार बहुत जब से लगा है पुराना जंजर है वो 4 उंगुल में सटता है, अगर फेज उड़ता है तो गांव वाला जो है खुदन के रूप में बना के रखा है कि एक फेज से दूसरे फेज में हम देते हैं, फिर तार सट जाता है तो वो भी फेज उड़ जाता है। इसलिए हमको ये आप लोगों से निवेदन था यहाँ वीडियो से कि ट्रांसफार्मर के साथ साथ में हमारा केबल तार लगा दीजिए, जो हमको ये नौबत नहीं आता। ट्रांसफार्मर देखिए सर, बार बार शिकायत करने से कोई जल्दी शिकायत हम लोग का अवेलेबल होता ही नहीं है। हम लोग इसलिए ऑफिस चल के आए हैं, अगले शनिवार को हम लोग शिकायत किए हुए थे, उसके बाद भी यहाँ फिर आज सोमवार हो गया है और जो साहब बोले थे कि वहाँ ट्रांसफार्मर आपका न्यू लग जाएगा, अभी तक ट्रांसफार्मर लगा नहीं गया है। मेरे घर में 24 कल रात में रविवार को आग लगा, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है, आपको बता दें वीडियो क्लिप भी है, वो आपको हम सेंड कर सकते हैं। खराब होने से कितना दिन हो गया? ट्रांसफार्मर खराब होने से 1 महीना से प्लस चल रहा है, 1 महीना से प्लस। क्या आश्वासन आजकल सीओ क्या आश्वासन दिए? आज सीओ बताए कि आप काम हो जाएगा, लेकिन हमको इस पे कोई भरोसा नहीं है। तो अभी ट्रांसफार्मर है
ओवर लोडेड है, रुको रुको, हमको 100 के भी कर दिया है, ठीक है, 100 के भी हो जाएगा। जो है उनका सारा प्रोसेस कर दिए थे और आज सुबह गाड़ी वहाँ पे 11 बजे पहुँचने का टाइम दिया गया था, गाड़ी गैरेज पहुँचेगा, ट्रांसफॉर्म उतार लिया जाएगा और नेटवर्क लग जाएगा 100 के भी का, अभी पहुँच गया है, रहा है 2-3 घंटे में ट्रांसफॉर्म नया लग जाएगा। रात में उधर ट्रांसफॉर्म कुछ इशू हुआ होगा रात में, तो हम सुबह तुरंत गाड़ी अरेंज कर दिए, सुबह गाड़ी जाएगा आपका चेंज कर सकते, गाड़ी उतर रहा है ट्रांसफॉर्मर अभी। अब आपके शहर भागलपुर में खुल चुका है पूरे बिहार का सबसे बड़ा और प्रीमियम सैलून लुक सैलून। लुक सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विसेज उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं। तो जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, बियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। लुक सैलून अपनी सभी प्रकार की सर्विसेज पर 20% की भारी छूट दे रही है। तो अगर आप भी लुक सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विसेज की चाहत रखते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.looksalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के बीएससी नर्सिंग की छात्र छात्राएं हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण हो रही परेशानियों को लेकर लगातार दूसरे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी रहीं। इस दौरान नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में जमकर बवाल काटते हुए नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल अनुराधा पांडे और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल उमाशंकर प्रसाद को बंधक बनाकर घंटों बवाल काटा। आक्रोशित छात्र छात्राओं का साफ कहना था कि पिछले 2 वर्षों से हुए सभी पानी की समस्या सहित जो मूलभूत सुविधाएं छात्राओं को मिलनी चाहिए उसके अभाव के कारण सभी परेशान हैं। कॉलेज प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण वो सभी 2 दिनों से हड़ताल पर हैं और यदि उनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो वो सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल की नर्सिंग व्यवस्था पर भी काफी असर पड़ेगा। वहीं प्रदर्शन स्थल पहुंचे अधिकारियों ने जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की बात कही है। प्रदर्शन के दौरान उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब प्रिंसिपल के साथ आए एक नन टीचिंग स्टाफ संजीव कुमार के द्वारा एक छात्र के साथ हाथापाई कर दी गई, जिसके बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने नॉन टीचिंग स्टाफ को धक्का मारते हुए प्रदर्शन स्थल से बाहर कर दिया। क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही है। हम लोग यहाँ पे 21-25 बैच हैं, 2 साल हो गया है, सेकेंड ईयर में है अभी, और जब भी मैम के पास जाते हैं तो मैम बोलती है काम चल रहा है, प्रोसेसिंग में है, हो जाएगा, टाल दिया जाता है बात को बार बार, और कभी कभी धमकी भी, नहीं होगा इस बार, अभी जो हो रहा था मैम से आंदोलन से पहले हम लोग कुछ बात किए, मैम बोल रही है कि जो होगा कर लो, ये होता है रिप्लाई आंसर ऐसे किया जाता है, तो हम लोग ऐसे भीड़ दिखा रहे हैं। हम लोग का आज भी अभी आश्वासन नहीं मिल रहा है, अभी भी टाला ही जा रहा है कि 2 महीना दीजिए, जो काम 2 साल में नहीं हुआ वो 2 महीने में कैसे होगा। बहुत सारी है, सबसे पहले तो हॉस्टल का बात देखा जाए तो हॉस्टल में पानी का कोई फैसिलिटी, लिमिटेड टाइम तक पानी आता है, रात के टाइम पानी आता है, 2 से 4 पानी आएगा, दिन में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा होता है। हम लोग कितनी बार कंप्लेन कर चुके प्रिंसिपल को, मैम बोलती है ठीक है देख लेंगे, पर अभी तक पानी की जो भी प्रॉब्लम थी अभी भी दिक्कतें आ रही है, हम लोग फेस कर ही रहे हैं, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। मैम बोलती है एडजस्टमेंट कर लो, कब तक हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे, हमें कब तक मिलेगा इस जी। यहाँ पे प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये यहाँ पे जो हमारे प्रदर्शन हो रही है, गवर्नमेंट कॉलेज हमारा बीएससी नर्सिंग है, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल्डिंग बना दिया गया है इसके अलावा यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार केवल यहाँ पे बिल्डिंग बना दी है, उसमें फर्नीचर दे दी है, केवल एक प्रिंसिपल दे दिया, उसके साथ में 2 टीचर गिफ्ट के रूप में दे दिया जैसे लग रहा है, और स्टूडेंट हम लोग 180 स्टूडेंट है यहाँ पे पढ़ने वाले, 3 बैच छात्रे हैं, लेकिन स्टूडेंट की मुहैया नहीं कराई जाती है, सॉरी टीचर की मुहैया नहीं कराई जाती है। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना लेबोरेटरी की सुविधा है, इतना ही नहीं खेलने कूदने के लिए कि जो बच्चे के होना चाहिए मौलिक सुविधा वो भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे पीने की सुविधा पानी की नहीं है, पानी तो छोड़े पीने की, यहाँ पे हाथ धोने की सुविधा नहीं है, टॉयलेट करने के बाद हाथ कैसे धोया जाए, कहाँ धोया जाए, इसके बारे में पता नहीं है। उसके बाद सवाल जब पूछा जाता है तो बरगला दिया जाता है बातों को,
बाहर से उसके बाद क्या अगर मान लीजिए इसके ऊपर दबाव डालते हैं, प्रिंसिपल के ऊपर दबाव डालते हैं, बाहर से आदमी को बुला करके धमकी दिलवाया जाता है कि आपको हम दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा, आपका अटेंडेंस खराब कर दिया जाएगा, करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा, आप हमसे उलझते हो, ये सारी बातें हैं कि ये मतलब अपना परचस्व दिखाने की कोशिश करती है प्रिंसिपल के नाम पे, जो काम की बातें होती काम की बातें एकदम नहीं करती हैं। हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं क्या कि प्रिंसिपल लग करके काम करे और हमारे पास सुविधा जो हमारे जो कॉलेज के अंदर में जो सुविधा होनी चाहिए वो सारा उपलब्ध करवाए। यही जितनी बातें इनको समझानी थी हमने समझा दिया और जो समस्याएं कुछ स्थानीय स्तर पर था उसको हमने कहा कि उसके दो महीना में सॉल्व कर दिया जाएगा। अब कुछ समस्याएं हैं जो सरकारी स्तर पर सॉल्व होना है, उसके लिए हम टाइम लाइन नहीं दे सकते हैं और उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, यही बात है। कैमरे के सामने वो धमकी दे रहा था छात्र हुए, देखिए उसकी जांच होगी उसके बाद कुछ बता पाएंगे, अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। इस भीड़ में क्या हुआ ना, आपने देखा ना हमने देखा, ये जांच करेंगे उसके बाद बता पाएंगे। कौन था टॉपिक कॉलेज की डाटा डाटा ऑपरेटर क्लास में क्या नाम है क्लास में डाटा ऑपरेटर क्या होता है पढ़ाने के लिए भागलपुर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई के तहत मोबाइल की रिकवरी की गई है, जिसमें चोरी छिनतई या लापता मोबाइल की बरामदगी हुई है। दरअसल भागलपुर के कई ऐसे इलाके हैं जहां से मोबाइल चोरी और छिनतई जैसी घटनाएं होती रहती हैं। पीड़ित पक्ष के द्वारा थाने में आवेदन देने के बावजूद उनकी शिकायत रहती है कि मोबाइल की बरामदगी नहीं हुई। इसी कड़ी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों की संख्या में मोबाइल बरामद किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि 55 से अधिक एंड्रॉयड मोबाइल की बरामदगी की गई है। चोरी और छिनतई जैसे मामलों में जिसके खिलाफ आवेदन अलग अलग थानों में दर्ज कराया गया था, उन्होंने बताया कि मोबाइल की कीमत लगभग 5 लाख रुपए है जिसकी बरामदगी की गई। साथ ही कहा कि पुलिस विशेष टेक्निकल टीम लगातार ऐसे मामलों की निगरानी करती है और छिनतई व चोरी जैसे मामलों में जब्त किए गए मोबाइल की रिकवरी करने के पश्चात संबंधित मालिकों को मालिकाना देखने के बाद मोबाइल सुपुर्द कर। देखिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान के तहत खोए हुए या लूटे हुए या चोरी हुए मोबाइल की रिकवरी करके उसके जो ओनर हैं उनको दिया जा रहा है और इस क्रम में पूर्व में भी 100 के करीब मोबाइल फोन जब्त करके और उनके ओनर्स को लौटाया गया था जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए के आसपास थी और आज 32 मोबाइल जिनकी कीमत 5,50,000 रुपए के करीब थी उनके ओनर्स को बुला के और उनको वापस किया गया है, जिससे कि स्वाभाविक है कि अगर किसी का खोया हुआ सामान वापस मिलता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आती है और लोग काफ़ी खुश थे और बहुत लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि उनका जो मोबाइल लगभग 7 महीने 8 महीने 1-1 साल पहले का खोया हुआ मोबाइल उनको प्राप्त हुआ, काफ़ी खुश थे और यह अभियान आगे भी लगातार। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जूगंज कटहरा रोड पर नारायणपुर तरेटा मोड़ के समीप सोमवार की शाम श्रावणी मेला क्षेत्र में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था को भेदते हुए बाइक सवार बदमाशों ने कमरिया वाहन को अपना निशाना बनाते हुए सिलीगुड़ी के बागडोरा निवासी दो कांवरियों से गन प्वाइंट पर 13,000 कैश सहित 2 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। घटना की बाबत सिलीगुड़ी के बागडोगरा निवासी कंवरिया प्रसन्नजीत ने बताया कि अपने साथी शुभंकर और संतोष संग सुल्तानगंज से जल भरकर कार से कटहरा रोड होते हुए देवघर जा रहा था, तभी नारायणपुर रोड की तरफ से एक ही बाइक पर सवार होकर 3 बदमाशों ने कार के आगे बाइक रोक दी। जब कार रोक उतरना चाहा तभी उसमें से 2 बदमाशों ने हथियार सटा दिया और लूटपाट करने लगे। इस दौरान बदमाशों ने मेरे पास से 5,000 वहीं साथी शुभंकर से 7,000 व दोनों का मोबाइल लेकर धमकी देते हुए भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और कंवरिया से घटना की जानकारी ली। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है।
हम लोग गाड़ी से आ रहे थे, सुल्तानगंज से जल चढ़ लेकर देवघर की तरफ जा रहे थे। अभी जाने का टाइम सुल्तानगंज से जस्ट निकले ही थे, 4-5 किलोमीटर आने के साथ साथ नारायणपुर मोड़, नारायणपुर मोड़ बोल, वो मोड़ से थोड़ा सा आगे पुलवा, वहाँ पे 3 बंदा बाइक लेके आया, अचानक पूरा गाड़ी का डिसबैलेंस करके आया, अचानक हमारे गाड़ी के सामने रुक गया, रुक के हथियार निकाल के दोनों का माथा में सटा दिया, सटा के पूछ रहे जितना भी पैसा है जो भी है निकालो फटाफट, पूछने का संभालने का चांस भी नहीं दिया, छीना छपटी करके जितना भी हाथ का आसपास था सब कुछ ले लिया। अभी तो हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं है, एकदम निश्चिंत हो गए, मोबाइल भी ले लिया, ATM कार्ड भी ले लिया, कैश पैसा जो भी था हाथ में सब ले लिया निकाल के। तो भागते भगाते हम लोग यहाँ से गाड़ी भगा के फिर भी वहाँ दौड़ा रहा था हम लोगों को, और भी कुछ लेना था, तीन जन मिलके। और आप लोग हैं कहाँ से? हम लोग सिलीगुड़ी से, दार्जिलिंग। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जिलाधिकारी सुब्रत सेन को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक एवं MBI के द्वारा वाहनों की जांच के क्रम में लगभग 10 ट्रक को ओवरलोड के आरोप में पकड़ा गया है। एसोसिएशन का कहना है कि सभी ट्रक में NTPC का S लोड था और सभी ट्रक में नियम के अनुसार ही लोडिंग की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी बिना नापतोल कराए ही सभी गाड़ियों को थाने में लगवा दिया गया है और सभी से फाइन करने की बात की गई है, जिसको लेकर एसोसिएशन के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि NTPC और परिवहन विभाग की मिली भगत से एस लोड गाड़ी को ही पकड़ा गया है। वहीं इन लोगों ने मांग की है कि जिलाधिकारी स्वयं इसकी जांच करा ले, अगर एसोसिएशन गलत है वो तो एसोसिएशन पर भी कार्रवाई की जाए। आए दिन इस तरह से परिवहन विभाग के द्वारा मनमानी की जाती है और ट्रक मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी महोदय से हम लोग का मिलने का मेन पर्पस अभी तत्काल का जो करंट जो है अभी तत्कालीन कारण है कि NTPC में जो एक ढंग से महाघोटाला का कार्य किया जा रहा है, हो रहा है, उसका हम लोग को सजा मिल गया है। ये हम लोग की गाड़ी टोटली अंडर लोड है, 10 गाड़ी पकड़ी गई है और उसको जाली काटे के दिखा करके हम लोगों पे फाइन किया गया है, जो कि सरासर गलत है। हम लोग मांग करते हैं कि किसी भी स्वतंत्र से जांच टीम द्वारा उसका जांच कराया जाए, अगर हम दोषी हैं तो उस पर फाइन किया जाए, निर्दोष हैं तो दोष हम लोग को मुक्त किया जाए और इस महाघोटाला में सम्मिलित NTPC के अधिकारी, NHI के अधिकारी और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम लोग इसके लिए कितने का घोटाला है ये? अब ये तो घोटाला यहाँ तक कहा जा रहा है, ऑडिट हो जाएगा, घोटाला से बड़ा घोटाला, बड़ा घोटाला होगा। कहा जा रहा है कि मोटरसाइकिलों ढोया है, अगर सही से किया जाए तो मोटरसाइकिल पर भी 50 टन छाई ढोवाया है, अभी